देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज। खबर वाराणसी से है। आपको बताते चले, बंदरगाह परियोजना के विरोध में केट विलेज के निर्माण के लिए जो जमीन अधिग्रहण की जा रही है उसके विरोध में किसान महापंचायत एक स्वर में फैसला लिया कि जान देंगे जमीन नहीं देंगे, क्योंकि यह नियम के विरुद्ध है। 70-80% किसान सहमत नहीं है, सुरक्षा अधिनियम के विरुद्ध हैं। जल्दबाजी के न्यायालय के फैसले का इंतजार करके 16-3-2024 को मार्ग निर्माण घोषित किया, उसको रद्द किया जाए। उक्त बैठक में अरविंद शुक्ला, रिंकू बाबा, अश्विनी सिंह चंद्रभान और किसान मितेंद्र प्रसाद, रवि कुमार शुक्ला इत्यादि लोग उपस्थित थे। से बता दें, मैं किसान न्याय मोर्चा प्रदेश संयोजक मिस्टर महंत प्रसाद एडवोकेट आपके बीच में आया हूं। यहां किसानों की महापंचायत लगी हुई है। आज किस प्रकार का आयोजन कर रहे हैं आप लोग? ये हम लोग उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार को चेतावनी देने के लिए इस महापंचायत के माध्यम से आए हैं कि यह परियोजना 2019 से एक्सरसाइज हो रहा है और शुद्ध रूप से वो 2013 कानून के तहत हो रहा है। 2013 न्यू कानून के तहत हो रहा है, जिसमें पहली लाइन है कि 70-80% यदि किसान सहमत होंगे तब तो भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई की जाएगी। ये धारा 2-2 में है, जिसकी आपत्ति 29-10-22 को, डेट वाइज 29-10-22 को बंदरगाह के किसानों ने मेरे ही माध्यम से यह आपत्ति SLO के समक्ष और DM चंदौली के समक्ष हम लोगों ने दिया, और इसके बाद उन आपत्तियों का खारिजा करने के बाद 6/5/23 को पुनः धारा 19 का प्रकाशन कर दिया इस बंदरगाह के अधिकारियों के दबाव में DM चंदौली और SLO वाराणसी द्वारा, जिसका भी जवाब किसानों ने दिया धारा 15 में कि इन शर्तों के साथ आप नहीं ले सकते, चूँकि आपके पास कंकरीली पथरीली और जमीन जो ऐसा कि एक्ट में निर्धारित है, आप इससे दक्षिण 2 किलोमीटर और बढ़ जाइए आपको जमीन मिल जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार योगी जी दावा करते हैं कि जिसकी भी भूमि भूमि अधिग्रहण के अंतर्गत जाएगी उसको मुआवजा मिलेगा, इस संदर्भ में क्या कहना है? इस संदर्भ में यही कहना है कि योगी जी जो 2013 कानून लागू है वह मैंडेटरी प्रोविजन संसद द्वारा पारित है, उसका पूर्ण रूपेण यदि पालन आपकी सरकार नहीं कर रही है तो हम लोगों को दुख है, क्योंकि 70% उस कानून में है, 80% उस कानून में है, और बेघर खाद्य सुरक्षा अधिनियम उसी कानून में धारा 10 में है। आपने एवार्ड कर दिया 16/3 को और कब्जा लेने के लिए आपने लिखित नोटिस सूचना दे दिया है अखबार में। धारा 38 वही कहता है कि कब्जा तब तक नहीं लेंगे जब तक इन विस्थापित और पुनर्वास परिवारों को रहायशी मकान या उनको राहत पैकेज नहीं दे देते। उत्तर प्रदेश सरकार से नेताजी आप लोगों की क्या मांग रहेगी? हम लोगों की मांग है कि योजना को रद्द करें। योजना इससे 2 किलोमीटर दक्षिण बढ़ा करके जो गंगा नदी कंकरीली पथरीली जमीन है, जो हम लोगों 29-10-22 की आपत्ति में कहा है, वहाँ ले जाए, जो कि पूरी तरह से जमीन खाली है, आबादी नहीं है, आबादी की जमीन नहीं ली जाएगी, कानून में है। अब दुख इस बात का है कि इन सारी चीज़ों को लेकर हम लोग न्यायालय में भी गए, न्यायालय ने इंस्ट्रक्शन मांग लिया, अब हाई कोर्ट के अधिवक्ताओं ने यह 70-80% की जो सहमति की बात है उस पर साइलेंट हो गया। अभी दुख इस बात का है कि न्यायालय से हम लोगों को उम्मीद है कि न्याय मिलेगा, और इनकी आपत्ति जो 16/3 का है, मैं किसानों से आह्वान करता हूं कि आप लोग अपनी सारी आपत्ति 6 माह के अंदर डाल दें और अपनी लड़ाई तेज रखें। कब्जा लेने आए तो उनसे धारा 38 में कब्जा लेने की व्यवस्था पूछिए, जो कि हमने यहाँ के राजेश भाई, अखिलेश भाई को आपत्ति कल दिया हूँ, और हाई कोर्ट ने भी कहा है 28/5 को कहा है कि बिना पुनर्वास विस्थापन 5 लाख राहत पैकेज दिए, आप ये अवार्ड 16/3/24 का इनकम्प्लीट है, आधा अधूरा है, लिहाजा इन किसानों से मांग करते हम लोग किसान महापंचायत में, जब तक कानून का पूर्ण रूपेण पालन न हो तब तक जमीन का अधिग्रहण की कार्रवाई उत्तर प्रदेश सरकार रोक दे और भारत सरकार इस पर विचार करे। इसके लिए संसद में भी हम लोग अपनी बात
इस नए पार्लियामेंट के मेंबर के सामने उठाएंगे कि 70-80% का जो कानून में लिखा हुआ है उसका पालन उत्तर प्रदेश सरकार क्यों नहीं कर रही है, और कराया जाए सर्वेक्षण से। यदि योजना 70% किसान कहते हैं चालू रखी जाए तब तो कानून में चालू रखा जाएगा, वरना यह योजना रद्द होगी, पार्लियामेंट से रद्द होगी। अगर प्रशासन द्वारा आप लोगों का कार्रवाई नहीं मानी जाएगी तो अगली कार्रवाई आप लोगों द्वारा क्या किया जाएगा? अगली बात बहुत साफ शब्दों में है कि उसी एक्ट में लिखा हुआ है, यदि प्रशासन हमारे साथ मुआवजा देने में धोखाधड़ी करने में गड़बड़ी करेगा तो इन किसानों से हम लोग 84 के तहत FIR लाद कराएंगे, जैसा कि कानून में व्यवस्था है। अब तक नहीं था भारत के इतिहास में, पहली बार 2013 कानून में दिया है सेक्शन 84 से लेके 86 तक की व्यवस्था में इस बंदरगाह के अधिकारियों के खिलाफ और DM चंदौली के खिलाफ, जैसा कि हम लोग रेलवे एक्ट में मुकदमा किए हैं और उनको सजा देने के लिए कोर्ट ने कहा, हाई डिस्ट्रिक्ट जज ने कैंसिल किया, हाई कोर्ट में भी हम लोग जा रहे हैं, एक नज़ीर के तौर पर आ चुका है, मेरे पास नकल है, मैं दे दूंगा इस DM और बंदरगाह के अधिकारियों के खिलाफ भी FIR किसान करने के लिए अधिकृत है, किया जाएगा, इस लड़ाई को अंतिम मैदान तक पहुँचाएंगे हम लोग।